मान लीजिए आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो दिन में 8 घंटे स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 16 घंटे स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 20 घंटे दिन में स्टडी करते हैं। पर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उनमें से 5% ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। अभी फोकस कैसे आएगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फोकस कैसे लाएं। अब स्टडी में फोकस लाना है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। पहले तो आप दिन के जो भी काम हैं वो आप कर लें, उसके बाद आप स्टडी पर बैठें तो फुल कंसंट्रेशन आपका स्टडी में होना चाहिए। आप स्टडी को डिवाइड कर लें सेक्शन में, जैसे कि फिज़िक्स को टाइम दे दें, बायोलॉजी को टाइम दे दें, केमिस्ट्री को, इंग्लिश को, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इसे आप अपने टाइम को डिवाइड कर दें। जैसे ही आप टाइम को डिवाइड करोगे तो पहले वो सब्जेक्ट लें जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पहले हो जाएगा तो लास्ट में आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो जो इजी सब्जेक्ट होगा तो वो आपको बहुत ही इजी लगेगा, तो आप उसको भी कर लोगे। हमारा माइंड है ना, ये माइंड ये ट्रिक पे चलता है, इसको जो टास्क इजी लगता है वही करता है। इसलिए हमें पहले डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहले हमें डिफ़िकल्ट इसलिए करना है क्योंकि उस वक्त हमारा ब्रेन जो होता है फ्रेश होता है। अगर मैं टाइम के हिसाब से रिकमेंड करूँ मैं आपको कि हम कुछ बच्चे ऐसे, मान लीजिए आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो दिन में 8 घंटे स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 16 घंटे स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 20 घंटे दिन में स्टडी करते हैं। पर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उनमें से 5% ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। अभी फोकस कैसे आएगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फोकस कैसे लाएं। अब स्टडी में फोकस लाना है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। पहले तो आप दिन के जो भी काम हैं वो आप कर लें, उसके बाद आप स्टडी पर बैठें तो फुल कंसंट्रेशन आपका स्टडी में होना चाहिए। आप स्टडी को डिवाइड कर लें सेक्शन में, जैसे कि फिज़िक्स को टाइम दे दें, बायोलॉजी को टाइम दे दें, केमिस्ट्री